Good morning, dear students. Welcome to the online classes. I hope all of you are fine. So today we will do aptitude and reasoning. So the first question which we will do is find the missing number. Here you can see, okay, boxes here, okay, in which numbers are written at the corners, okay, and यहाँ पे एरोज गिवन है और एरो के नीचे भी आपको कुछ नंबर्स मेंशन है, जैसे यहाँ यहाँ पर यहाँ पे हैज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू हियर. नाउ सी हियर हाउ यू विल फाइंड. यहाँ पे एरो के नीचे 90 है, यहाँ पे एरो के नीचे 360 और बॉक्सेस के कॉर्नर्स पे आपको क्या गिवन है, नंबर्स गिवन. नाउ हाउ यू विल गेट 90. नाउ सी हियर, अगर हम 3 से स्टार्ट करें, ठीक है, एंड इफ वी मूव क्लॉक वाइज, सी है 3 से 6 पे आए, मल्टीप्लाई किया 3 × 6 = 18, ओके. नाउ 6 से 5 पर आएंगे अब, ओके. नाउ 18, नाउ 18 × 5 इज व्हाट, 90, ठीक है. नाउ 5 से 1, सो 90 × 1 = 90. सो हाउ दिस इज हाउ यू गेट 90, ठीक है. अगेन लुक एट दिस, 3 से हमने स्टार्ट किया, ओके, इस क्वार्टर से हमने स्टार्ट किया मूव ऑन करना, ठीक है. 3 से 6 की तरफ मूव ऑन हुए, तो 3 × 6 = 18 और हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है. तो 3 × 6 = 18, दैट मीन्स हमें 3 से इधर वाले कॉर्नर से मूव करना है, ठीक है. फ्रॉम दिस कॉर्नर वी विल मूव एंड वी विल मूव क्लॉक वाइज, और जैसे जैसे मूव करेंगे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. 3 × 6 = 18, 18 × 5 = 90, 91 = 90. अब हम 3 के पास दोबारा नहीं जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी गेट 90. नाउ सी द सेकंड, ओके, क्या इसमें भी वही पैटर्न यूज हुआ है ना. सी है 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90 and 94 = 360. तो यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न यूज हुआ है, 3 से हमने मूव ऑन किया क्लॉकवाइज और हम जैसे जैसे मूव ऑन करें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें. अगेन सी हियर 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90, 94 = 360. दैट मींस हम सेम पैटर्न अब हम नेक्स्ट वाले बॉक्स में भी अप्लाई करेंगे. नाउ सी हियर, ठीक है, वी विल मूव लाइक दिस. नाउ सी हियर, सबसे पहले 2 × 2, सो 2 × 2 = what 4, ठीक है. फिर 4 × 2 = 4, 4 × 4 = 16. Then 4 × 4 = 16, and then 16 × 4 = 64. So 64 is the required answer. Again, I'm explaining. 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, and 16 × 4 = 64. So this is the required answer. Now, dear students, see the question 2. Find the missing character if same rule is followed in all the 3 figures. अगर तीनों फिगर्स में सेम रूल अप्लाई किया है तो ये जो आपको मिसिंग दिख रहा है, ये मिसिंग कैरेक्टर आपको, यहाँ पे भी कोई कैरेक्टर आएगा, वो मिसिंग कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है. ना सी है, डी इज गिवन, आई इज गिवन, और डी के नीचे दो नंबर्स है 2 × 2 = 6, 3 × 9. ना सी है, एड दीज बोथ नंबर्स, 2 + 2, वॉट यू विल गेट, 4. नाउ यू कैन सी डी इज ऑन फोर्थ पोजिशन. सी ए बी C, D. So D is on fourth position. Fourth position पे कौन है? D. So that is why box में कौन सा character given है? D. Now see here. 6 + 3 add करेंगे. What is 9? Ninth place पे कौन सा character आता है? I. So that is why I is in the box. Now here add 9 + 12 is what? 21. Now it will take time. अब time लगेगा आपको सोचने में कि 21 प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, ठीक है, कौन सा लेटर आएगा. तो उसके लिए देयर इज एन इजी वे फॉर यू टू रिमेम्बर. नाउ सी है, ई जो टी, ठीक है, दिस इज अ थिंग, जस्ट रिमेम्बर इट. ई जो टी, वेयर यू कैन सी ई इज ऑन फिफ्थ प्लेस, ठीक है, ठीक है, जे 10th, 0 O 15, टी 20, वाई 25, ठीक है. तो 20th प्लेस पे टी है, तो 21 20 के बाद 21, तो टी के बाद कौन सा आपका कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, कौन सा लेटर आ जाएगा, यू. सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी यू. सो द मिसिंग टर्म इज यू, दिस इज द
आंसर. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आपको ईजीओटी याद रखना है, यहाँ पे आपने नंबर्स को ऐड किया है, 2 + 2 फोर, तो फोर्थ प्लेस पे कौन सा आपका करेक्टर आ जाएगा, डी. ए से स्टार्ट करोगे, ए फर्स्ट प्लेस पे, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ. ना 6 + 3 9 9, तो 9th प्लेस पे आपका आई आ गया. ना हियर व्हेन यू विल ऐड 9 + 12 21 21, मैं आपको सोचने में कितना टाइम लगेगा कि 21th प्लेस पे कौन सा करेक्ट रहेगा, तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ईजीओटी. ठीक है, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 एंड वाई 21. देन टी इज एट 20th प्लेस, सो 21 पे कौन हो जाएगा, 20 के बाद 21, सो टी के बाद यू, सो 21 प्लेस पे आपका आ जाएगा यू. सो द यू इज द मिसिंग टर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 हियर. 3 सर्कल्स आर गिवन, ओके 1 2 3. पहले सर्कल के ऊपर, नीचे, लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, चारों ही डायरेक्शन में आपको नंबर्स गिवन है. ठीक है, 7 4 5 6, सेम इन ऑल द 3 सर्कल्स. ना सी है, सर्कल के अंदर ये जीरो आ रहे हैं ना, सी हाउ द जीरो विल कम. ना सी 7 + 4, अब ऐड करो, 7 + 4 इज व्हाट, 11. ओके, नाउ 5 + 6 इज व्हाट. ठीक है, आपने ऊपर और नीचे के नंबर्स का सम किया, दैट इज 11 आया. फिर आपने जो लेफ्ट और राइट में नंबर्स है उनका सम किया, देन यू गॉट 11. देन यू विल फाइंड द डिफरेंस. ठीक है, 11 - 11, उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो डिफरेंस क्या आ गया, 0. दैट मींस कैसे आया हमारे सर्किल के अंदर का नंबर, पहले आपने जो सर्किल के ऊपर और नीचे नंबर्स हैं उनको ऐड किया, फिर लेफ्ट और राइट में जो नंबर्स हैं उनको ऐड किया, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया. ना सी द सेकंड सर्किल है, ठीक है, ना सी है 8 + 4 इज व्हाट, 12. ओके, एंड देन 7 + 6 इज व्हाट, 30. ना डिफरेंस, ना सी है, डिफरेंस निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट्स इट. सो 13 - 12 1, ठीक है, तभी तो आएगा 1, सो यू गॉट 1. सेम आपको पैटर्न यहां फॉलो करना है. ना सी है, 0 + 2 इज 2 हेयर. ओके, 11 + 2 इज व्हाट, 13. Now you will find out the difference. Now find the difference. 13 - 2. Again, बड़े वाले नंबर में से ही छोटा वाला नंबर से ट्रैक करेंगे. So 13 - 2 is what? 11. So the required answer is 11. आपका missing term कितना हो जाएगा? 11. Now see the question number 4. यहाँ पे आपको एक grid दिखाई दे रही है. ठीक है? Now here is a missing term. Now you have to identify the missing term. Now see here. Now let's move column wise. ठीक है? Column wise move करते हैं. Now 3 5 4 6 8 7 8 4, then you have to find the missing term. Now see here, 3 5 4. Now see, अगर हम 3 और 5 को add कर दें, what we will get? 8. ठीक है, 3 + 5 8, और अगर हम 8 को 2 से divide कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4. That means ऊपर के दो नंबर्स को add कर दिया आपने, और फिर उसके बाद उसको आपने 2 से divide कर दिया, तो आपको जो कॉलम में जो थर्ड नंबर है वो मिल रहा है. नाउ सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट में भी अप्लाई करके देख रहे हैं. सी ठीक है, तो क्या हम हमें 7 मिलता है या नहीं मिलता है, वी सी. ओके, नाउ 6 + 8, 6 + 8 इज व्हाट, 14. ठीक है, देन 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, नाउ 7. दैट मींस सेकेंड वाले कॉलम में भी सेम पैटर्न है, वही पैटर्न है जो पैटर्न हमने फर्स्ट वाले कॉलम में अप्लाई किया था. पहले 2 नंबर्स को ऐड करना है और फिर उनके एडिशन को 2 से डिवाइड कर देना है. दैट मींस अब थर्ड कॉलम में भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे. ना सी हियर, 8 + 4 इज व्हाट, 12, एंड देन डिवाइड 12 by 2, व्हाट यू विल गेट, 6. सो 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर. 6 क्या हो जाएगा आपका, मिसिंग टर्म. I hope all of you have understood all these 4 questions.